MCQs on exception handling in Python. Which block lets you test a block of code for errors? आप कौन से ब्लॉक में अपने कोड को एनक्लोज करके मतलब रखकर कौन से ब्लॉक में आप अपने कोड को रखकर ये टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें एरर आ रही है या नहीं आ रही है, राइट? तो आप कौन से जो भी कोड आपको लगता है कि एरर प्रोड्यूस कर सकता है उस कोड को आप कौन से ब्लॉक के अंदर एनक्लोज करते हो, मतलब कौन से ब्लॉक के अंदर आप उसको लिखते हो, आप लिखते हो ट्राई ब्लॉक के अंदर, ओके? जब हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, ओके? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर दिया है प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट एक्स, और ट्राई ब्लॉक को फॉलो कर रहा है एक्सेप्ट ब्लॉक, राइट? और एक्सेप्ट में आपने दिया है प्रिंट एन एक्सेप्शन अकर्ड. अब एक्सेप्ट ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ट्राई ब्लॉक में क्या होगी, एरर होगी, एक्सेप्शन रेज होगा, राइट? अब यहाँ पे देखो प्रिंट एक्स दिया हुआ है, एक्स यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है कि एक्स क्या है, राइट? तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये एरर क्रिएट करेगा, ये एक्सेप्शन रेज करेगा. तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगा तो जो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक है उसके पास कंट्रोल जाएगा, और जो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट है प्रिंट एंड एक्सेप्शन अकर्ड, ये क्या होगी, ये एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ओके? ओके, विच एक्सेप्शन रेज्ड व्हेन अ कैलकुलेशन एक्सीड्स मैक्सिमम लिमिट फॉर अ न्यूमरिक टाइप. तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा अगर आपने क्या दिया है, एक न्यूमरिक वैल्यू दी है लेकिन आपने उसकी मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड कर दिया है, राइट? आपने मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा उस वैल्यू को एंटर करा दिया है, तो यहाँ पे कौन सी एरर, कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा? तो यहाँ पर होगा आपका ओवरफ्लो एरर, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, आपने लिमिट से ज्यादा वैल्यू को इनपुट कराया है, राइट? तो ओवरफ्लो क्या होता है, इट रेज व्हेन अ कैलकुलेशन एक्सीड्स मैक्सिमम लिमिट फॉर अ न्यूमरिक टाइप, ओके? नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट कैन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हैव. तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स, राइट? ट्राई ब्लॉक को मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स फॉलो कर सकते हैं, आप ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं, ओके? तो यहाँ पे जीरो इज नॉट करेक्ट, वन इज नॉट करेक्ट, ओके? मोर देन वन, मोर देन वन भी क्या है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि वन भी आप ले सकते हो, ओनली वन भी आप यूज कर सकते हो. तो जो परफेक्ट आंसर है वो है डी, मोर देन जीरो, मीन्स आप ट्राई के साथ एक्सेप्ट यूज करोगे ही करोगे, राइट? कि मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. ओके, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड. अब यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है और आपको आउटपुट बताना है. एक्स की वैल्यू है 10 और वाई की वैल्यू क्या है 8, राइट? एसर्ट कीवर्ड के बाद आपको कंडीशन दी गई है एक्स इज ग्रेटर देन वाई. तो एसर्ट ये क्या है, कंडीशन ट्रू है. एसर्शन एरर कब आती है, जब आपकी कंडीशन क्या होती है फॉल्स, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है ट्रू है, तो एसर्शन एरर क्रिएट नहीं होगी, रेज नहीं होगी, तो ये एरर मैसेज भी आपका डिस्प्ले नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, नो आउटपुट, क्योंकि इसके नीचे तो हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट दी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एरर भी, अगर यहाँ पे ये फॉल्स होती कंडीशन तो आपका आउटपुट आता है एक्स टू स्मॉल, राइट? पर यहाँ पे क्या है, कंडीशन ट्रू है, एसर्शन एरर रेज नहीं हुई है, तो आपका आउटपुट क्या है सी, दैट इज आपका आंसर है सी, दैट इज नो आउटपुट. When will the else part of try except else be executed? जब आप try except else को use करते हो तो else part कब execute होता है, right? तो else part आपका कब execute होता है, जब कोई भी exception नहीं occur करता, right? कोई भी exception raise नहीं होता है, तब try के बाद आपका directly else part execute होता है. तो यहाँ पे कौन सा option correct है, option C, when no exception occurs, right? जब exception raise नहीं होता तो try के बाद directly कौन सा आपका block execute होता है, else block, okay? Now, syntax errors are also known as, syntax error को आप, जो syntax error होती है उनका दूसरा नाम क्या होता है, उनका आप
उनको कहते हैं पार्सिंग एरर्स, राइट। सिंटेक्स एरर को हम पार्सिंग एरर्स भी कहते हैं, ओके। क्योंकि सिंटेक्स एरर कैसे पता चलती है, जब आपका कोड क्या होता है, पार्स होता है। पार्स मींस उसको चेक किया जाता है, ओके। जब उसको पार्स किया जाता है, राइट, उसको चेक किया जाता है, तब सिंटेक्स एरर अकर्स होती है। दैट्स व्हाई सिंटेक्स एरर आर आल्सो नोन एज पार्सिंग एरर, ओके। Now, in Python, we use try and catch for exception handling. Python के अंदर आप try and except block use करते हो, try and catch block आप use करते हो Java में exception handling के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम Python की बात करें, Java की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपका answer होगा no. बिकॉज Python में आप try and except block use करते हो, try and catch आप use करते हो Java के अंदर, okay? Can one block of except statement handle multiple exception? अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि except block के अंदर क्या आप multiple exception को specify कर सकते हो, और एक except block क्या multiple exception को handle कर सकता है, okay? तो इसका answer क्या है, yes, कर सकता है। और आप इसको कैसे define करोगे, आप इसको ऐसे define करोगे, yes, like except type error, comma syntax error, comma zero division error, comma, आप इस type से, इस form में आप multiple exceptions को यहाँ पे define कर सकते हो, right? तो एक except block क्या कर सकता है, multiple exception को handle कर सकता है, okay? यहाँ पे आपको इसको list में enclose करने की जरूरत नहीं है, आप simply आप इसको specify कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोमा, राइट। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, डेफ गेट मंथ, गेट मंथ नेम से फंक्शन क्रिएट किया है, और उसमें आप पास कर रहे हो m, राइट। अब इफ m इज स्मॉलर देन 1, अगर m क्या है 1 से स्मॉल है, और या फिर m इज ग्रेटर देन 12, अगर जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो वो क्या है 1 से स्मॉल है या फिर 12 से ग्रेटर है, तो आपका वैल्यू एरर एक्सेप्शन रेज हो जाए और मैसेज आ जाएगा आपके पास इनवैलिड। अब आपने क्या किया, और उसके बाद आप प्रिंट करा दोगे जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो, राइट, m की वैल्यू, ओके। अब आपने क्या किया, गेट मंथ इस फंक्शन को आपने कॉल किया और वैल्यू पास कराई 6, आपने कौन सी वैल्यू पास कराई 6, इसके अंदर 6 पास कराई, तो यहाँ पे देखो 6 क्या होता है 1 और 12 के बीच के अंदर इन बिटवीन आता है, राइट, तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा, ओके, और सिंपली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एम की वैल्यू, तो आपका आंसर क्या आएगा 6, ओके। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, आपने लिस्ट ली है 1, 2, 3 उसके एलिमेंट्स हैं, ओके। अब आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, फाइन। यहाँ पे आपने इंडेक्स वैल्यू लिए 3, ओके, बट हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0, 1 and 2, राइट, ये है आपकी इंडेक्स वैल्यू, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगी, और कौन सी एरर आएगी, इंडेक्स एरर, बिकॉज यहाँ पे आप गलत इंडेक्स दे रहे हैं, ओके। इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो है 2, राइट, तो आपकी कौन सी एरर क्रिएट होगी, यहाँ पे इंडेक्स एरर, बिकॉज यू आर गिविंग रॉन्ग इंडेक्स हियर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड टी, ओके, आपने टी एक आइडेंटिफायर लिया है, टी यहाँ पे हमें नहीं पता क्या है, लिस्ट है या आप कुछ भी ले रहे हो, ओके, एंड 5, ओके। अब यहाँ पे देखो कौन सी एरर आएगी, कौन सी एरर आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी नेम एरर, बिकॉज आपने डिफाइन नहीं किया है कि टी क्या है, राइट, वी डोंट नो द टी नेम, ओके, तो यहाँ पे कौन सी एरर आएगी, नेम टाइप एरर नहीं है, डेटा टाइप का हमें नहीं, यहाँ पे टी का मतलब डेटा टाइप का कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू का भी नहीं है, इंडेक्स का भी नहीं है, नेम का है, क्योंकि हमें टी नेम नहीं पता क्या है, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड इन पाइथन, तो कौन सा वर्ड है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है, ट्राई होता है, ट्राई के बाद आपका एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, फिर आपका फाइनली होता है, एल्स होता है, फिर फाइनली होता है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो क्या है, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड नहीं है, तो आपका ऑप्शन है सी, राइट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड इफ द टाइम मॉड्यूल हैज ऑलरेडी बीन इंपोर्टेड, तो हमारे पास पाइथन कोड है 4 प्लस
थ्री। अब यहाँ पे थ्री क्या है, एनक्लोज है विद इन सिंगल कोट्स, तो ये थ्री क्या बन गया, स्ट्रिंग वैल्यू बन गई। ओके, फोर क्या है, नंबर इंटीजर, और थ्री क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। क्या इन दोनों का एडिशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अनसपोर्टेड डेटा टाइप है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी एरर आएगी, यहाँ पे आपकी आएगी टाइप एरर, बिकॉज दे बिलोंग टू द डिफरेंट डेटा टाइप्स, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स विल बी एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन इज थ्रोन और नॉट, कौन सा ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करता है चाहे एक्सेप्शन रेज हो चाहे ना हो, राइट। तो यहां पे आपका आंसर है फाइनली ब्लॉक, फाइनली हमेशा ही एग्जीक्यूट करेगा चाहे एक्सेप्शन रेज हो, एग्जीक्यूट हो चाहे ना हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो चाहे ना हो, आपका फाइनली हमेशा ही एग्जीक्यूट करता है। और आप फाइनली में क्या करते हो, इंपॉर्टेंट कोड जैसे फाइल क्लोजिंग कोड या जो भी इंपॉर्टेंट कोड है उसको रखते हो जिससे कि वो हमेशा एग्जीक्यूट हो। ओके, Now, it is raised when the requested module definition is not found. ये error कब आती है, जब आपका requested module, okay, क्या है, आपको नहीं मिलता है। फाइन, आपने आप कोई मॉड्यूल क्या करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, लेकिन क्या है, नहीं है वो, या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो इस केस में कौन सी एरर आती है, आपकी इंपोर्ट एरर, कि आप रॉन्ग मॉड्यूल को क्या कर रहे हो, इंपोर्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहे हो। फाइन, इट इज रेस्ड वेन द यूजर एक्सीडेंटली हिट्स द डिलीट और एस्केप की वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। ये एरर कब आती है, जब यूजर क्या करता है, एक्सीडेंटली डिलीट की को प्रेस कर देता है या एस्केप की को प्रेस कर देता है जब एग्जाम क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ड्यू टू विद द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज इंटरप्टेड, जिससे क्या होता है, जो प्रोग्राम का फ्लो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है, वो रुक जाता है, राइट। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब आपने एक्सीडेंटली डिलीट या एस्केप की को प्रेस कर दिया, तो क्या होता है, उसका नॉर्मल प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो क्या होता है, हॉल्ट हो जाता है, रुक जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। तो इस टाइप की एरर को आप क्या कहते हैं, इस टाइप की एरर को हम बोलते हैं कीबोर्ड इंटरप्ट या फिर कीबोर्ड एरर। ओके, नाउ इट इज रीच्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय द इनपुट फंक्शन। ये एरर कब आती है, जब आप फाइल के एंड पर पहुंच जाते हो लेकिन इनपुट फंक्शन ने उस फाइल से कोई भी डेटा रीड नहीं किया होता है। फाइन, तो इस एरर को हम बोलते हैं एंड ऑफ फाइल एरर, जहां पे इनपुट फंक्शन एंड तक पहुंच जाता है विदाउट रीडिंग एनी डेटा, राइट। वी द कंट्रोल रीच टू द एंड ऑफ द फाइल बट इनपुट फंक्शन डजंट रीड एनीथिंग। नाउ इट इज रीच्ड व्हेन अ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड। ये एरर कब आती है, जब आपने लोकल या ग्लोबल वेरिएबल नेम को नहीं डिफाइन किया है, राइट। आपने नहीं बताया है कि कौन सा वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है। फाइन, विद इन अ ब्लॉक ये वर्क कर रहा है या फिर ये पूरे प्रोग्राम के लिए है। लोकल क्या होता है, विद इन अ ब्लॉक जो यूज हो रहा है, राइट। और ग्लोबल क्या होता है, विच इज यूज्ड बाय द होल प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पे कौन सा एरर क्रिएट होता है, जब आप लोकल या ग्लोबल वेरिएबल नेम को डिफाइन नहीं करते हो, तो यहाँ पे आता है आपका नेम एरर। ओके, What will be the output of the following Python code? इस Python code का output आपको बताना है। यहाँ पे function है def और function का name है foo, okay? आपने try block में एक statement दी print one, okay? Print one. Then you have finally block. उसके बाद आपका finally block है और आपने उसमें statement दी print two, right? अब आपने function foo को call कर दिया। Function foo को यहाँ पे call किया है, right? तो ये इसके अंदर जो भी statements है वो execute होंगी, तो print one आपका print one execute हो जाएगा। और function, इस function के अंदर कोई भी exception raise नहीं हुई है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे सिंपली प्रिंट आप जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो वन आ गया, और फाइनली तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है तो टू आ गया। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट से आपको वन मिला एंड सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट से आपको टू मिला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको कोड दिया गया है और यहाँ पे आपको आउटपुट बताना है, राइट। टाइप ब्लॉक के अंदर आपको वेरिएबल दिया है x और x में 10 डिवाइडेड बाय 0 की वैल्यू जाएगी, फाइन। अब यहाँ पे देखो 10 को 0 से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगा, ओके। 0 डिवीजन एक्सेप्शन रेज होगा यहाँ पर, तो एक्सेप्शन जब रेज होगा तो उसे एक्सेप्ट ब्लॉक कैच करेगा, राइट, ओके, हैंडल करेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट के साथ एक्सेप्शन का नेम भी दिया गया है, 0 डिवीजन एरर, फाइन। तो
एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और इसकी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन है कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, इसका आउटपुट ये है। फाइन, देखो जब भी कोई नंबर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो आपका जीरो डिवीजन एरर आता है। फाइन, अगर आप जीरो से डिवाइड नहीं करोगे किसी और से करोगे तो इट इज़ फाइन, बट अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो एक्सेप्शन रेज करता है। कौन सा एक्सेप्शन रेज करता है? आपका जीरो डिवीजन एरर। मैं इसको एक बार करके आपको दिखाती हूँ। ओके, एंड शो प्रैक्टिकली भी दिखा देते। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया ए इक्वल्स टू, मैंने ले लिया 20, राइट। मैंने बी ले लिया यहाँ पे 2, राइट। ओके, ए डिवाइडेड बाय बी, ओके, आपके पास रिजल्ट आ गया 10। अगर मैंने यहाँ पे ए लिया इक्वल्स टू 20, फाइन। आपने बी लिया इक्वल्स टू यहाँ पे 0, ओके, और फिर आपने लिखा ए डिवाइडेड बाय बी, राइट। तो आपका देखो यहाँ पे क्या है, जीरो डिवीजन एरर। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप एक नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन ट्राइंग टू एक्सेस अ नॉन एग्जिस्टिंग इंडेक्स ऑफ अ लिस्ट। जब आप लिस्ट के नॉन एग्जिस्टिंग इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, उस इंडेक्स को जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपका कौन सा एरर आता है? आपका इंडेक्स एरर आता है, राइट। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने एक लिस्ट वेरिएबल लिया, एल ले लिया नेम, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ, 10, 20 एंड 30। मैंने 3 इसमें एलिमेंट्स ले लिए। फाइन, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एल और इंडेक्स वैल्यू देती हूँ आपकी 0, तो आपका क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मैंने दिया एल और इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे दे दी 1, राइट, तो आपका 20 आ जाएगा। फाइन, मैंने यहाँ पे दिया L और इंडेक्स वैल्यू दे दी 5, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। तो मेरे कौन सा एरर आएगा? इंडेक्स एरर आएगा। देखो इंडेक्स एरर यहाँ पे आ गया, इंडेक्स एरर। फाइन, तो अगर आप उस इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपका कौन सा एरर आएगा? इंडेक्स एरर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड डू। तो यहाँ पे आपको कोड दिया गया है, तो और आपको बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा इफ कंडीशन रेज वैल्यू एरर इनवैलिड वैल्यू। फाइन, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू एरर एक्सेप्शन रेज हो जाए, राइट और क्या प्रिंट होके आएगा? इनवैलिड वैल्यू। फाइन, तो यहां पे इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा सी, राइट। इट रेजेस अ वैल्यू एरर इफ कंडीशन इज ट्रू, राइट। तो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? अगर कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू एरर एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे रेज स्टेटमेंट क्या करता है? रेज स्टेटमेंट इज यूज टू रेज एन एक्सेप्शन इफ अ कंडीशन इज ट्रू। रेज स्टेटमेंट एक्सेप्शन रेज करता है अगर गिवन कंडीशन ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शन आर हैंडल्ड बाय द फॉलोइंग कोड। आपके पास कोड दिया गया है और आपको बताना है इस कोड से आप कौन सा एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे देखो ट्राई ब्लॉक में आपका कोड है, एक्सेप्ट में आपका एक्सेप्शन हैंडल किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप खुद से भी एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं इफ कंडीशन इज टू रेज द एक्सेप्शन वैल्यू एरर, राइट। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल एक्सेप्शंस। ऑल एक्सेप्शंस किस लिए? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने सिंपली एक्सेप्ट ब्लॉक दिया है। फाइन, जब आप एक्सेप्ट कीवर्ड देते हो विदाउट स्पेसिफाइंग एनी एक्सेप्शन टाइप, तो क्या होता है? इट कैचेस ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन। आपने जब एक्सेप्ट कीवर्ड दिया है और कोई एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन या मल्टीपल एक्सेप्शन स्पेसिफाई नहीं किए हैं, तो एक्सेप्ट कीवर्ड जितने भी एक्सेप्शन होते हैं सबको कैच करता है। ओके, ओके, व्हाट आर द एसर्ट स्टेटमेंट डू इन पाइथन। पाइथन में एसर्ट स्टेटमेंट का क्या फंक्शन है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, इट रेजेस एन एक्सेप्शन इफ अ गिवन कंडीशन इज नॉट ट्रू। ओके, तो एसर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से आप एक्सेप्शन रेज कर सकते हो अगर गिवन कंडीशन ट्रू नहीं है, गिवन कंडीशन फॉल्स है, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन एक्सेप्शन पाइथन। इनमें से कौन सा पाइथन का बिल्ट इन एक्सेप्शन नहीं है, राइट। ओके, तो इनपुट आउटपुट एरर आपका बिल्ट इन एक्सेप्शन है, जीरो डिवीजन एरर आपका बिल्ट इन है, फाइल नॉट फाउंड भी बिल्ट इन है। ओके, ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आउट ऑफ बाउंड्स एरर, ये क्या है? ये आपका खुद का क्रिएट किया हुआ एक्सेप्शन है, ये बिल्ट इन एक्सेप्शन नहीं है। ओके, फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो हियर वी हैव द कोड, ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक में आपका प्रिंट स्टेटमेंट है हेलो, राइट। उसके बाद क्या हुआ है? आपने एक्सेप्शन को रेज किया है वैल्यू एरर, वैल्यू एरर एक्सेप्शन को एक्सेप्ट ब्लॉक ने कैच किया है। ओके, और उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट है एंड देन फाइनली ब्लॉक है। तो यहाँ पे देखो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले आपका प्रिंट होगा हेलो,
क्योंकि यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है. ऑलराइट, आपका प्रिंट हो जाएगा हेलो, उसके बाद आपका रेज होगा वैल्यू एरर. वैल्यू एरर रेज होगा तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, तो इसका प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वैल्यू एरर रेज्ड. राइट, तो सबसे पहले हेलो आपका प्रिंट होगा, देन वैल्यू एरर रेज प्रिंट होगा, और फाइनली ब्लॉक तो प्रिंट होगा ही होगा, चाहे एक्सेप्शन रेज हो चाहे ना हो. फाइन, तो आपका गुड बाय प्रिंट होगा. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, हेलो वैल्यू एरर रेज्ड गुड बाय. ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. फाइन, ओके, व्हाट इज द करेक्ट वे टू हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन. आप एक साथ मल्टीपल एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हो, तो आप एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ इन द फॉर्म ऑफ टपल मल्टीपल एक्सेप्शंस को स्पेसिफाई कर सकते हो. राइट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है. आप एक्सेप्ट ब्लॉक में, आप एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ, राइट, इन द फॉर्म ऑफ टपल मल्टीपल एक्सेप्शंस को स्पेसिफाई कर सकते हो. राइट, Which exception is raised for invalid syntax? अगर आपका syntax invalid है तो कौन सा exception raise होगा, तो यहाँ पे आपका syntax error raise होगा. Fine. Okay, तो मैं यहाँ पे आपको syntax error का example दे देती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा print, fine, और आपने यहाँ पे लिखा hello, hello, और देखो मैंने यहाँ पे quotes को enclose नहीं किया है. Fine, तो अगर मैं इसको enter press करती हूँ तो कौन सा error आ गया आपका, syntax error, क्योंकि आपने यहाँ पे syntax correct नहीं लिखा है. Fine, तो अगर syntax correct नहीं है तो आपका syntax error exception raise हो जाएगा. Fine. ओके, हाउ डू यू रेज एन एक्सेप्शन मैनुअली इन पाइथन. अगर आपको पाइथन में किसी भी एक्सेप्शन को मैनुअली रेज करना है तो आप कैसे रेज कर सकते हो, आप रेज एक्सेप्शन नेम. ओके, आप रेज कीवर्ड का यूज करके और अपने एक्सेप्शन का नेम डिफाइन करके उसको रेज कर सकते हो. फाइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, रेज एक्सेप्शन नेम. आप मैनुअली एक्सेप्शन को कैसे रेज कर सकते हो, ओके, तो प्रैक्टिकली मैं एक बार बता देती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे नम वेरिएबल लिया, ओके, इंट इनपुट, और इनपुट कराते हैं हम लोग यहाँ पर एंटर एनी नंबर अप टू 100. ओके, 100 तक आपको कोई भी नंबर एंटर करना है. राइट, इफ नम इज ग्रेटर देन 100, अगर नम 100 से बड़ा है, अगर आपने जो नंबर एंटर कराया, तो अब यहाँ पे हम खुद का एक्सेप्शन रेज कर रहे हैं, रेज एक्सेप्शन. फाइन, और एक्सेप्शन में आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हो प्रिंट करा दो. जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी नंबर इज आउट ऑफ अलाउड रेंज. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खुद का एक एक्सेप्शन रेज किया है जिसकी प्रिंट जो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज आउट ऑफ अलाउड रेंज. राइट, और अगर एक्सेप्शन रेज नहीं होता है तो एल्स पार्ट दे दिया, एल्स पार्ट में आपका प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट कर देंगे नंबर नंबर इज विद इन द अलाउड रेंज. ओके, नाउ वी विल सेव दिस. आपने इसका नाम A1 कुछ भी दे देते हैं, हमने A1 दे दिया. सेव हो गया. राइट, और इसको रन कर देते हैं हम. ठीक है, रन कर दिया. F5 कर सकते हो आप. अब जैसे यहाँ पे नंबर है, नंबर अगर मैंने दे दिया 34, राइट, तो नंबर इज विद इन द अलाउड रेंज आ गया. फाइन, अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ, अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ यहाँ पर F5, ओके, और अब मैं यहाँ पर डालती हूँ 120 मैंने यहाँ पर एंटर किया, तो क्या आ गया, एक्सेप्शन नंबर इज आउट ऑफ द अलाउड रेंज. ठीक है, जो आपने खुद का एक्सेप्शन क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ गया है. फाइन, नेक्स्ट वी हैव, हाउ डू यू कैच स्पेसिफिक एक्सेप्शन इन पाइथन. आप पाइथन में स्पेसिफिक एक्सेप्शन को कैसे कैच करते हो, तो हम स्पेसिफिक एक्सेप्शन को कैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक. राइट, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक की हेल्प से आप एक्सेप्शन को कैच करते हो. राइट, नाउ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज एन एक्सेप्शन इन पाइथन. एक्सेप्शन क्या है. फाइन, तो एक्सेप्शन क्या है, एन एरर डेट अकर्स एट रन टाइम. वो एरर जो किस टाइम आती है, जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं. ओके, एंड इट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो को रोकती है. फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड.
फाइन। तो यहाँ पे देखो आपके पास लिस्ट है, ओके okay, उसके जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंडेक्स की हेल्प से लिस्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो। फाइन, तो आपने इंडेक्स दिया यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स अगर हम देखें तो 1 का है इंडेक्स 0, 2 का है 1 एंड 3 का है 2। तो इंडेक्स 3 आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपका कौन सा एरर आएगा, यहाँ पे इंडेक्स एरर आएगा। फाइन, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आपको पाइथन कोड दिया हुआ है यहाँ पे और आपको आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास टी वेरिएबल है और आपको दिया गया है 5, ठीक है, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट 5। अब हमें यहाँ पे पता ही नहीं है कि टी क्या है, ओके okay, लिस्ट है या कुछ और है, राइट ओके okay, तो यहाँ पे टी को पहले डिफाइन ही नहीं किया गया, तो यहाँ पे कौन सा एरर आएगा, आपका नेम एरर आएगा। फाइन, बिकॉज यहाँ पे टी को पहले डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे नेम एरर आएगा। फाइन, ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे आपको पाइथन कोड दिया गया है और आपको आउटपुट बताना है, राइट ओके okay, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन नेम है गेट मंथ, राइट, और उसमें आपने m की वैल्यू पास की है ओके okay? अब देखो यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि इफ m इज स्मॉलर देन 1, अगर m 1 से स्मॉल है या फिर 12 से बड़ा है तो एक्सेप्शन रेज हो जाए, कौन सा, वैल्यू एरर, राइट ओके, और प्रिंट हो जाए आपकी m की वैल्यू। अब यहाँ से आपने फंक्शन को कॉल किया और उसमें पास किया है 6, तो आपका यहाँ पे 6 पास होगा, और 6 क्या है, 6 ये जो कंडीशन दी गई है उसको सेटिस्फाई नहीं करता, राइट, 6 1 और 12 की रेंज के बीच में ही है, राइट ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा, क्योंकि ना ही 6 1 से छोटा है ना ही 12 से बड़ा है, वो 1 और 12 के बीच में है। फाइन, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट जो है वो है 6, ऑप्शन सी, ओके। सिंपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ स्टैक, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड, स्टैक में जब आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पुश, ओके। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड, जब आप स्टैक में से किसी एलिमेंट को रिमूव करते हो, राइट, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पॉप, राइट। In a stack, if a user tries to remove an element from an empty stack, अगर यूजर किसी empty stack से element को remove करने की कोशिश करता है, right? Empty stack मतलब वो stack बिल्कुल खाली है, okay? अगर यूजर empty stack से element को remove करने की कोशिश कर रहा है तो इस process को क्या बोलते हैं, इस process को आप बोलोगे under flow, right? Under flow. Now, pushing an element into stack already having 5 elements and stack size of 5, then stack becomes, stack क्या है, आपका 5 elements contain कर सकता है, उसका size 5 elements का है, right, और उसमें already 5 elements है। अगर आप उसमें और elements push करना चाहते हो तो इस condition में stack क्या बन जाएगा, overflow, right। Entries in a stack are ordered, what is the meaning of this statement, stack के अंदर जो entries होती हैं वो एक ordered way में होती है, इस statement का क्या meaning है, तो इसका meaning है there is a sequential entry that is 1 by 1, stack के अंदर जब आप data push करते हो तो उसे 1 by 1 आप उसके अंदर push करते हो, right, तो this type of entry is sequential entry, राइट। द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड आफ्टर द ऑपरेंड्स, जब आपके ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के बाद प्लेस होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, राइट। जैसे आपका यहाँ पे ऑपरेटर, मान लो यहाँ पे ए बी, सॉरी ऑपरेंड्स हमने ले लिया ए बी, ओके, उसके बाद मैंने ऑपरेटर्स लगा दिए, प्लस लगा दिया आपका एंड माइनस, तो ये आपका क्या है, ये आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, जहाँ पे ऑपरेंड्स के बाद ऑपरेटर्स यूज होते हैं, राइट ओके। द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इज, एक्सप्रेशन में चेक करने के लिए कि पैरेंथेसिस जो लगे हुए हैं वो बैलेंस्ड हैं, वो इक्वल पैरेंथेसिस लगे हैं या नहीं लगे हैं, ये चेक करने के लिए कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टैक का, राइट। स्टैक का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टैक में क्या होता है, ओपन पैरेंथेसिस इज पुश्ड इनटू द स्टैक, जब आप इसको सॉल्व करते हो किसी भी एक्सप्रेशन को, तो जो ओपन वाला पैरेंथेसिस होता है वो स्टैक के अंदर पुश कर दिया जाता है, ओके। एंड अ क्लोज्ड पैरेंथेसिस पॉप्स आउट एलिमेंट टिल स्टैक गेट्स एम्प्टी, और जो क्लोज्ड पैरेंथेसिस होता है वो तब तक सारे एलिमेंट्स पॉप करता रहता है जब तक कि वो कहाँ तक नहीं पहुँच जाता, वो स्टैक के एंड तक नहीं पहुँच जाता, मीन्स जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता,
फाइन। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है पैरेंथेसिस को चेक करने के लिए क्या वो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस हैं या नहीं है, राइट। द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ, अब आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको इसकी पोस्टफिक्स फॉर्म बतानी है, राइट। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये मेरा हो गया स्टैक, मान लो ये मैंने एस बना दिया, ये स्टैक हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया, राइट, दिस इज योर आउटपुट, फाइन। अब देखो सबसे पहले आपका क्या है, आपका ऑपरेंड है, ऑपरेंड डायरेक्टली आपका आउटपुट में चला जाएगा, फाइन। उसके बाद क्या है, आपका ऑपरेटर है, ऑपरेटर हम स्टैक के अंदर पुश करेंगे, ओके। और यहाँ पे आपका ए है इस टाइम पर, ओके। अब आपका बी आ गया, तो स्टैक में आपका ये ऑपरेटर रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए एंड बी ऑपरेंड, ओके। आपके ऑपरेंड आ गए, राइट। अब आपका आता है प्लस, राइट। अब जैसे ही प्लस आएगा, प्लस क्या है, आपके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, आपके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से उसकी प्रेसिडेंस लोअर है, फाइन। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और आपका मल्टीप्लिकेशन पॉप हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पॉप होके यहाँ पे आ जाएगा ए बी ऑपरेंड के बाद, राइट, ए बी एंड दिस इज़ योर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके, राइट। अब आपका आ गया सी, सी तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ए बी, राइट, मल्टीप्लिकेशन एंड देन आपका सी आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आपका प्लस ही रहेगा, ओके। अब सी के बाद क्या है, आपका आएगा डिवीज़न ऑपरेटर। तो डिवीज़न ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है, हाइयर है प्लस से, तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा और डिवीज़न आ जाएगा, फाइन। अब कोई भी चीज़ यहाँ पे, कोई भी ऑपरेटर पॉप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिवीज़न एंटर कर रहा है उसकी प्रेसिडेंस प्लस से हाई है, राइट। और जब आपका यहाँ पर प्लस एंटर कर रहा था तो क्या था, उसकी प्रेसिडेंस आपकी मल्टीप्लिकेशन से लोअर थी, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉप हो गया था, राइट। अब हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया ए बी, राइट, मल्टीप्लिकेशन सी, ओके। आपका मल्टी, आपका यहाँ पे डिवीज़न ऑपरेटर यहाँ चला गया एंड डी, राइट, डी आ गया, डी आपका डायरेक्टली यहाँ चला जाएगा। अब क्या होगा, आपका स्टैक एम्प्टी करेंगे हम लोग, ओके। तो आपका ए बी मल्टीप्लिकेशन, राइट, सी डी, ओके, डिवीज़न पॉप होगा, डिवीज़न आ गया, देन आपका प्लस पॉप होगा, आपका प्लस आ गया, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ओके। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, फाइन। अब नाउ, विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन, कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे देखो, ये आपका पोस्टफिक्स नोटेशन है, जहाँ पे ऑपरेटर्स कहाँ आते हैं, ऑपरेंड्स के बाद आते हैं, राइट। इनफिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड्स कहाँ आते हैं, इन बिटवीन आते हैं, ऑपरेटर्स कहाँ आते हैं, इन बिटवीन द ऑपरेंड्स आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ए प्लस बी लिखा, तो यहाँ पे ए एंड बी क्या है, ऑपरेंड्स है, एन प्लस क्या है, ऑपरेटर, और ये क्या, कौन सा नोटेशन है, इनफिक्स नोटेशन है, राइट। तो यहाँ तो हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, या प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। नाउ द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, दिस इज, आपको इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, इवेल्युएट करना है और फिर इसका आंसर आपको बताना है, राइट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका स्टैक है, राइट, और दिस इज योर आउटपुट, ये आपका स्टैक और ये आपका आउटपुट है, ओके। तो क्या करेंगे हम, स्टैक में एलिमेंट्स को पुट करेंगे, पुश करेंगे। तो सबसे पहले आपने पुश किया 5 को, फिर आपने पुश किया इसके अंदर 4 को, एंड फिर आपने पुश किया 6 को, राइट। अब आपका आता है प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर आता है तो स्टैक के जो टॉप टू एलिमेंट्स हैं, टॉप टू एलिमेंट्स अभी हमारे पास 4 एंड 6 है, तो 4 एंड 6 पर ये ऑपरेटर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 प्लस 6, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 6, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, ओके। अब स्टैक में एलिमेंट्स, अब जो 10 आया है वो आप कहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, स्टैक के टॉप पर। तो अब आपके पास स्टैक के एलिमेंट्स है 5 एंड 10, 5 एंड 10 है स्टैक के एलिमेंट्स, ओके। अब देखो नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, आपका मल्टीप्लिकेशन है,
मल्टीप्लीकेशन है, अगेन हम क्या करेंगे, स्टैक के अबव टू एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, पॉप करेंगे और उन पर मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा 5 × 10, राइट, आंसर आ गया आपके पास 50। ओके, अब आप 50 को क्या करोगे, स्टैक के अंदर पुश करोगे। तो अब स्टैक में क्या है आपका, 50, एक ही एलिमेंट है 50, राइट। अब स्टैक के अंदर आप, अब यहाँ पे हम जब देखेंगे एक्सप्रेशन में 493 है, तो आप इसको पहले 50 पुश किया, फिर आप 4 को पुश करोगे, फिर आप 9 को पुश करोगे, फिर आप 3 को पुश करोगे, राइट, ऐसे आपको पुश करना है। अब हमारे पास डिवीज़न ऑपरेटर आ गया, डिवीज़न आ गया तो हम स्टैक के दो टॉप टू एलिमेंट्स को पॉप कर देंगे और उन पर डिवीज़न ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका 9 / 3 हो जाएगा, 9 / 3 आपका 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब जो 3 आया है आंसर, वो आप स्टैक के अंदर डालोगे। तो अब स्टैक के कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक तो 50 है स्टैक के पास, ठीक है, एक 4 है, राइट, ये आपका 4, ओके, और आपका आंसर जो आया 3, वो अब आपके स्टैक के पास 3 एलिमेंट्स हो गए, राइट। अब आप देखोगे प्लस ऑपरेटर है, तो आप अगेन क्या करोगे, दो एलिमेंट्स को पॉप कर दोगे और उन पर प्लस आप ऑपरेटर अप्लाई करोगे, 4 + 3, राइट, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 7 को आप इंसर्ट कर दोगे स्टैक के अंदर, ठीक है। तो अब स्टैक के पास दो एलिमेंट है, 50 और 7, 50 और 7 है, राइट। अब प्लस के बाद कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, और आपके स्टैक के पास दो एलिमेंट्स है, 50 और 7 है, तो आप क्या करोगे, इन पे अप्लाई करोगे दोनों को पॉप करके, 50 × 7, राइट, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर 350 आ गया, और इस 350 को आप स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दोगे। अब स्टैक में एक ही एलिमेंट होगा आपका 350, राइट, तो आपका आंसर क्या हुआ, 350। इफ़ द एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर प्लेस्ड इन अ स्टैक, आपने एक स्टैक में एलिमेंट्स डाले, ठीक है, कौन कैसे डाले, पहले आपने ए को पुश किया, फिर आपने बी को पुश किया, देन आपने सी को पुश किया, देन आपने डी को पुश किया, राइट, ऐसे आपने डाले, एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम, फिर आपने इनको डिलीट किया, तो पहले कौन सा डिलीट होगा, डी डिलीट होगा, राइट, डी पॉप होगा, देन सी आपका पॉप होगा, देन बी आपका पॉप होगा, देन ए आपका पॉप होगा, राइट, ओके, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिमूवल, तो सिंपली हमको पता है ऑर्डर ऑफ रिमूवल आपका क्या है, डी सी बी ए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी सी बी ए, ओके। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक ऑफ साइज 5, तो आपके पास स्टैक दिया गया है जिसका साइज 5 है और इसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं, ठीक है, ये हमारे पास हमारा स्टैक है, पहले आपने 1 को पुश कर दिया, 1 चला गया, फिर आपने इसको पॉप कर दिया, तो 1 क्या हो गया, यहाँ से निकल गया बाहर, ठीक है, 1 निकल गया, फिर आपने पुश किया 2 को, ठीक है, फिर आपने पुश किया 3 को, फिर आपने पॉप कर दिया, पॉप करने से क्या होगा, अब एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 भी डिलीट हो गया, तो आपका 3 भी बाहर आ गया, ठीक है, देन आपने पुश किया 4 को, राइट, फिर आपने पॉप कर दिया, पॉप कर दिया तो आपका जो अब एलिमेंट है 4, ये डिलीट हो जाएगा, राइट, 4 भी डिलीट हो गया, ठीक है, फिर एक और पुश है आपके पास, तो अबव एलिमेंट इस टाइम पे 2 है, क्योंकि 2 ही बचा है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा, तो ये भी बाहर, ये भी डिलीट हो गया 2, ठीक है। अब आपने पुश कर दिया 5 को पुश, राइट, ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑपरेशन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द स्टैक इज, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, सिर्फ एक प्रेजेंट है आपका, 5 प्रेजेंट है, 1 भी डिलीट हो चुका है, 2 भी, 3 है एंड 4 भी, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है आपका, 1, राइट। Which data structure is mainly used for implementing the recursive algorithm? कौन से data structure का use किया जाता है recursive algorithm को maintain करने के लिए, right? Recursion को apply करने के लिए, right? तो यहाँ पर हम use करते हैं stack को। Recursion होता क्या है, Recursion means when a function call itself again and again, जब कोई function अपने आप को ही बार बार call करता है उसे recursion बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक का यूज़ होता है, स्टैक इज़ यूज टू मेंटेन द प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ द फंक्शन, स्टैक का यूज़ किया जाता है मैं किसी भी फंक्शन के प्रीवियस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए और एंड रिकर्जन के लिए, फाइन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनफिक्स एक्सप्रेशन, आपको बताना है इनमें से कौन सा इनफिक्स नोटेशन है. अब इनफिक्स की पहचान क्या होती है, ऑल द ऑपरेटर्स अपीयर्स बिटवीन द ऑपरेंड्स. ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड्स के बीच में होते हैं, राइट. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तो बी में है ना ही सी में. बी में क्या है, ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स से पहले हैं, प्रीफिक्स है ये, और सी के अंदर है, पोस्टफिक्स है. तो ये आपका आंसर इनफिक्स क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी, ए ए एंड बी ऑपरेंड के बीच में आया है, देन सी बी इंटू सी, राइट. तो जहाँ पे ऑपरेटर्स इन बिटवीन द ऑपरेंड्स होते हैं वो इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है, फाइन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ दिस, आपको बताना है कि इसकी प्रीफिक्स फॉर्म क्या है, राइट. प्रीफिक्स फॉर्म इसकी क्या होगी, जहाँ पे ऑपरेटर्स कहाँ होंगे, ऑपरेंड से पहले आएंगे, ठीक है. प्रीफिक्स नोटेशन में क्या होता है, जब ऑपरेटर्स ऑपरेंड से पहले आते हैं वो प्रीफिक्स फॉर्म होती है, राइट. तो ये अभी आपकी इनफिक्स फॉर्म है, तो यहाँ पे इसकी प्रीफिक्स फॉर्म होगी हमारी ऑप्शन डी, राइट. प्लस ऑपरेटर ए, राइट, इनटू बी सी, दिस इज द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ ए, ए प्लस बी इंटू सी, राइट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, फाइन. एरेज कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द स्टैक, एरेज का यूज किया जाता है स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, ये करेक्ट है आपका, ठीक है. एरेज आपके सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, इन द सेम वे स्टैक क्या है, आपका सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है. सेकेंड क्या है, स्टैक फॉलोज फीफो, तो स्टैक फीफो को फॉलो नहीं करता, स्टैक लीफो को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है. ओके, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट नहीं है. ओके, तो इसमें यही पूछा ना कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है. बाकी के दो भी देख लेते हैं. एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन सिक्वेंशियल मैनर, यस, आपका स्टैक में सिक्वेंशियल मैनर में एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है. टॉप ऑफ द स्टैक कंटेन्स द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट, स्टैक के टॉप पर लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट होता है, जो सबसे लास्ट में आपने एलिमेंट इंसर्ट किया है वो क्या होता है, स्टैक का टॉप. ओके, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है. ओके, नाउ इफ द एलिमेंट 1, 2, 3, 4 आर एडेड इन द स्टैक, आपने एलिमेंट्स डाले हैं 1, 2 and 3 and 4 इन द स्टैक, सो व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द रिमूवल, आपका रिमूवल का ऑर्डर क्या होगा, 4, 3, 2, 1, राइट. ये क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया था, 4, 2, 3, 1. ओके, अ स्टैक इज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो स्टैक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, राइट. ओके, द एब्रीविएशन ऑफ लीफो इज, लीफो की एब्रीविएशन क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन बी, जो सबसे लास्ट में आपने इंसर्ट किया है वो सबसे पहले निकल जाएगा. ओके, इन स्टैक द वन एंड वेयर द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द एलिमेंट्स टेक्स प्लेस, ऐसा कौन सा एंड होता है जहाँ पे इंसर्शन भी होता है और डिलीशन भी होता है, आप यहाँ से डेटा डालते भी हो, यहाँ से डेटा आप डिलीट भी करते हो, राइट. तो ये क्या होता है आपका, टॉप ऑफ द स्टैक. ओके, चॉइस क्वेश्चंस ऑफ क्यू, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड एंड इंसर्शन कैन टेक प्लेस ओनली एट द अदर एंड इज नॉन एज, एक लीनियर लिस्ट आपके पास है एलिमेंट्स की, ठीक है, जहाँ पे डिलीशन एक एंड से होता है, जिसको फ्रंट कहा जाता है, इसको आप फ्रंट मान लो, यहाँ से डिलीशन होगा एलिमेंट्स का. ओके, एंड रियर सेकेंड एंड जिसको रियर कहा जाता है, वहाँ से क्या होगा, इंसर्शन होगा. तो आपका फ्रंट से डिलीशन होगा और आपका रियर एंड से इंसर्शन होगा, ऐसी लीनियर लिस्ट को क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं क्यू, राइट. अ क्यू फॉलोज, क्यू कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, क्यू फॉलोज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, राइट. जैसे क्यू के अंदर आपने फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया, देन आपने सेकेंड एलिमेंट इंसर्ट किया, देन आपने थर्ड एलिमेंट इंसर्ट किया, और अब जब डिलीशन होगा तो कैसे होगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट आपने इंसर्ट किया था ये डिलीट होगा सबसे पहले, राइट. फिर जो आपने सेकेंड एलिमेंट इंसर्ट किया था वो डिलीट होगा, फिर जो आपने थर्ड एलिमेंट इंसर्ट किया था वो डिलीट होगा. तो यहाँ पे ये कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपने जो नंबर वन था वो सबसे पहले इंसर्ट किया है और नंबर वन सबसे पहले आउट हो जाएगा, राइट. If the elements A, B, C, D are placed in a queue, अगर आपने एक क्यू के अंदर एलिमेंट्स को प्लेस किया है A, right, B, okay, C and D, okay,
placed in a queue and are deleted one at a time. अब यहाँ पे one by one elements delete होंगे. In what order will they be removed? तो कौन से order में remove होंगे? क्यों कौन सा concept follow करता है? कौन सा principle follow करता है? FIFO. First in first out. तो A को सबसे पहले आप insert किया गया था, तो सबसे पहले A remove होगा. Then B को insert किया गया था, तो फिर B remove होगा. Then C and then D. Because it follows FIFO principle. First in first out. राइट तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए बी सी डी. राइट दिस इज योर करेक्ट आंसर. नाउ अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट फ्रॉम बोथ एंड्स बट नॉट इन द मिडल इज. ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एलिमेंट्स को आप दोनों एंड्स पर ओके फ्रंट एंड एंड रियर एंड दोनों से इंसर्ट कर सकते हो. आप उसको फ्रंट एंड से भी इंसर्ट कर सकते हो और आप उसको रियर एंड से भी इंसर्ट कर सकते हो. ओके तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे एलिमेंट्स आप इंसर्ट दोनों एंड से कर सकते हो और आप डिलीट भी दोनों एंड से कर सकते हो. फ्रंट से भी डिलीट कर सकते हो और रियर से डिलीट कर सकते हो बट नॉट इन द मिडल. लेकिन आप जो ये एक्टिविटी है इंसर्शन की एंड डिलीशन की वो मिडल ऑफ मिडल से नहीं कर सकते. राइट तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसका नेम क्या है? इसको हम बोलते हैं डी क्यू. राइट डी क्यू में क्या होता है? वी कैन इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द एंड्स. आप दोनों एंड से एलिमेंट्स को इंसर्ट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो बट मिडल में आप क्यू के मिडल में आप ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते. राइट ओके अ नॉर्मल क्यू इफ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ साइज मैक्स साइज गेट्स फुल व्हेन. आपको बताना है कि क्यू एक नॉर्मल क्यू है वो फुल कब हो जाएगी. राइट अब यहाँ पे उसका जो साइज है मैक्स साइज दिया हुआ है. फाइन तो हमारा फर्स्ट जो है वो देखते हैं रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज माइनस वन. राइट अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे मान लो मैक्स साइज हमारा फाइव है. ओके मैक्स साइज क्या है हमारा? फाइव मतलब क्यू में फाइव एलिमेंट्स आ सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्यू बना ली. राइट और उसमें आपने वन टू ये जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेती हूँ. ये मेरा वन हो गया. ये नहीं यहाँ पे इसको लेते हैं ए. ओके एंड इसको हम ले लेते हैं बी. ये क्यू के एलिमेंट हैं सी डी एंड ई. ठीक है मैक्सिमम साइज मैंने मान के चला है कि फाइव है. राइट ए बी सी डी ई. अब यहाँ पे ए का जो इंडेक्स है वो जीरो है. बी का वन देन टू देन थ्री देन फोर. अब तो यहाँ पे जो जीरो इंडेक्स है वो क्या कंसीडर होगा? वो फ्रंट कंसीडर होगा एफ. राइट फ्रंट ये क्यू का फ्रंट है. और फोर क्या कंसीडर होगा? इसका रियर कंसीडर होगा. राइट क्यू का ये रियर कंसीडर होगा. तो अब यहाँ पे देखो इसका लिमिटेड साइज मैंने फाइव माना था कि क्यू में फाइव एलिमेंट्स ही आ सकते हैं. ओके तो क्यू को फुल कब माना जाएगा? जब रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज माइनस वन. साइज क्या है? फाइव है. ओके और रियर है. रियर को अगर आप करोगे यहाँ पर देखो फाइव मैक्स साइज क्या है? फाइव. फाइव माइनस वन राइट इक्वल्स टू फोर. ओके यहाँ पे रियर आपका आ गया फोर. और यहाँ पे फोर जब आपका रियर आया तो क्यू क्या हो चुकी है? फुल हो चुकी है. राइट तो जो आपका ऑप्शन है करेक्ट वो क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है. रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज माइनस वन. ओके अ नॉर्मल क्यू इफ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ साइज मैक्स साइज गेट्स फुल व्हेन रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज माइनस वन. ओके नाउ क्यूज सर्व मेजर रोल इन. क्यूज का सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो किस में होता है? तो यहाँ पे हमारे पास रिकर्शन है. रिकर्शन सिमुलेशन ऑफ रिकर्शन. रिकर्शन आपका स्टैक में यूज़ होता है. सिमुलेशन ऑफ आर्बिट्रेरी लिंक लिस्ट. ये लिंक लिस्ट में यूज होगा. राइट सिमुलेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन. तो हमारा क्यू जो होता है वो लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन में यूज़ होता है. यहाँ पे क्या होता है? जो डेटा सबसे पहले आया है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बाकी के डेटा से. ओके एंड सिमुलेशन ऑफ हीप शॉट. यहाँ पे हीप शॉट यूज़ होगा. तो इसका करेक्ट जो आंसर है क्यू सर्व मेजर रोल इन सिमुलेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन. ये है. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू. आपको बताना है इनमें से कौन सा टाइप ऑफ क्यू नहीं है. तो यहाँ पे आपका ऑर्डिनरी क्यू है, सिंगल एंडेड क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू. ओके तो यहाँ पे जो आपका क्यू नहीं है वो है सिंगल एंडेड क्यू.
राइट, बिकॉज क्यू ऑलवेज हैज टू एंड्स, क्यू में हमेशा दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक रियर एंड, राइट, इसलिए यहाँ पे जो सिंगल एंडेड क्यू है वो क्यू नहीं है. ओके, और जो सर्कुलर क्यू होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंटेड ना सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में होती है, स्ट्रेट लाइन की जगह वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, राइट. प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जो डेटा, जिस डेटा को मोर प्रायोरिटी मिली होती है वो पहले रिमूव होता है. ओके, और जो आपकी ऑर्डिनरी क्यू है वो आप जानते हैं, राइट, वो क्या है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है हैविंग द फ्रंट एंड रियर एंड. ओके, नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ क्यू, इनमें से कौन सा रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है क्यू का. वेटिंग इन अ लाइन इन ऑर्डर फूड एट अ रेस्टोरेंट. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप लाइन में लगे हो रेस्टोरेंट में, तो अगर आप फर्स्ट नंबर पर हो तो आपको सबसे पहले मिलेगा फूड, राइट, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर आपको मिलता है, राइट, नंबरिंग होती है. तो ये क्यू का एग्जाम्पल है. वेटिंग इन लाइन टू बाय मूवी टिकट्स, ये भी क्यू का एग्जाम्पल है. मैनेजिंग टास्क ऑन अ सीपीयू, सीपीयू में भी क्या होगा, वन बाय वन जो टास्क सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले कंप्लीट होगा, फिर सेकेंड, ऐसे ही होता है. ओके, ये भी क्यू का एग्जाम्पल है. अब यूजिंग अ स्टैक ऑफ डिशेज, तो स्टैक ऑफ डिशेज जो है वो किसका है, स्टैक का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ क्यू, तो हमारा ऑप्शन है डी, राइट. ओके, नाउ विच ऑपरेशन इज यूज टू एड एन एलिमेंट इन द क्यू, इनमें से कौन से ऑपरेशन को यूज किया जाता है क्यू में एलिमेंट्स को एड करने के लिए, तो वो होता है आपका एन क्यू, राइट. एन क्यू ऑपरेशन इज यूज टू एड एलिमेंट्स इन द क्यू, फाइन. वट इज द ऑपरेशन टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, क्यू में से एलिमेंट्स रिमूव करने के लिए जो ऑपरेशन यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं डी क्यू, राइट. वट डज अंडर फ्लो मीन इन अ क्यू, क्यू के अंडर अंडर फ्लो का क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग होता है क्यू इज एम टी, राइट. अंडर फ्लो इज अ सिचुएशन वेयर एन अटेम्प्ट इज मेड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम टी क्यू, मीन्स अंडर फ्लो वो सिचुएशन है जहाँ पे हम एम टी क्यू में से किसी एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं. ओके, इज अ क्यू अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, क्या क्यू एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, यस, क्यू क्या है, एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, बिकॉज इट्स साइज कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन, आप क्यू के साइज को चेंज कर सकते हो जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है. ओके, नाउ व्हाट इज द फ्रंट ऑफ अ क्यू, क्यू का फ्रंट कौन सा होता है, द फर्स्ट एलिमेंट एडेड, राइट, जो सबसे पहला एलिमेंट आप क्यू के अंदर ऐड करते हो वो एज अ फ्रंट कंसीडर होता है क्यू का. ओके, विच इज़ अ टाइप ऑफ क्यू, इनमें से बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ क्यू है, तो प्रायोरिटी क्यू आपकी टाइप ऑफ क्यू है, लीफो एंड ये क्या है, ये क्यूज के नेम नहीं है. ओके, तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी रिमूव किए जाते हैं क्यू में से. ओके, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज, आप जब क्यू से डेटा डिलीट कर रहे हो तो आपको कौन सी कंडीशन को चेक करना होता है, तो आपको यहाँ पे चेक करना होता है अंडर फ्लो को, राइट. अंडर फ्लो क्या होता है, यू नीड टू चेक वेदर द क्यू इज एम टी और नॉट, राइट. आप चेक करोगे कि क्या क्यू एम टी तो नहीं है, फाइन, तो इसको क्या, तो यहाँ पे आपको अंडर फ्लो कंडीशन को चेक करना होता है बिफोर डिलीटिंग द डेटा फ्रॉम द क्यू. ओके, वट इज़ द टर्म फॉर इंसर्टिंग इन टू अ फुल क्यू नोन एज, अगर क्यू फुल है, राइट, और आप उसमें और एलिमेंट्स इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओवरफ्लो होगा लाइक स्टैक, जैसे स्टैक में ओवरफ्लो होता है, अगर स्टैक फुल है आप उसमें और डेटा इंसर्ट करना चाहते हो वो ओवरफ्लो हो जाता है, सेम वे क्यू भी ओवरफ्लो हो जाती है अगर फुल क्यू के अंदर आप और एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हो, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इफ टू एलिमेंट्स इन द प्रायोरिटी क्यू हैव द सेम प्रायोरिटी, राइट. प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, जहाँ पे एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी रिमूव किए जाते हैं, राइट. तो अगर दो एलिमेंट्स की प्रायोरिटी सेम है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट पहले रिमूव होगा, तो इसके लिए फीफो क्राइटेरिया को यूज किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट. इन दोनों में से जो भी पहले आएगा वही एलिमेंट पहले रिमूव होगा. ओके, नाउ व्हाट वुड बी द आउटपुट आफ्टर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन इन डी क्यू, राइट. तो यहाँ पे डबल एंडेड क्यू है हमारी और आपको बताना है कि ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं क्यू के ऊपर, तो इसके बाद रिजल्ट क्या आएगा. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट किया गया है 10 को, तो हमने यहाँ पे अपनी क्यू में डाल दिया 10, फिर इंसर्ट किया गया 20 को इन फ्रंट,
ठीक है, फ्रंट में इंसर्ट किया 10 को, फिर फ्रंट में इंसर्ट किया 20 को, तो फ्रंट में आपका 20 आ गया और ये आ गया आपका 10, राइट। फिर रियर में इंसर्ट किया गया है 30 को, ओके, तो आपका ये हो गया 20 फ्रंट में, देन 10 एंड देन रियर में 30 किया गया है, तो रियर में आपका आ गया 30, ओके। फिर रियर में 40 को इंसर्ट किया गया है, तो आपका आ जाएगा 20, ओके, 10, 30 एंड 40, ओके, लाइक दिस। अब डिलीट फ्रंट, फ्रंट को डिलीट कर दिया गया, तो क्या डिलीट हो जाएगा आपका, 20 डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे फिर डी क्यू के एलिमेंट्स, 10, 30 एंड 40, ओके, 10, 30 एंड 40, राइट। अब इंसर्ट फ्रंट 50, अब फ्रंट में 50 को इंसर्ट किया गया है, तो क्या आ जाएगा 50, राइट, 10, 30 एंड 40, ओके। अब डिलीट रियर, अब रियर को एलिमेंट को डिलीट किया जाएगा, तो आपका 40 डिलीट हो जाएगा यहाँ से, तो आपका क्या आ जाएगा 50, ओके, 10 एंड 30, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके डबल एंडेड क्यू में, ओके, डी क्यू में। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, आपका ऑप्शन करेक्ट है बी, और यू कैन से ऑप्शन टू, ठीक है, आपका ऑप्शन टू करेक्ट है, 50, 10, 30, ओके। व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द गिवन पाइथन कोड, आपको पाइथन कोड दिया गया है और आपको इसका आउटपुट बताना है, राइट। तो सबसे पहले आपके पास डी क्यू है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3, तीन एलिमेंट्स हैं, आपने अपेंड कर दिया 5 को, 5 को अपेंड कर दिया, तो 1, 2, 3 एंड 5 अपेंड हो गया। देन आपने लेफ्ट में अपेंड किया 6 को, लेफ्ट में, तो यहाँ पे पहले 6 आएगा, देन 1, 2, 3 एंड 5, ओके। देन आपने एक्सटेंड किया 7, आगे इसको बढ़ाया 7, तो आपका क्या हो जाएगा 6, 1, 2, 3, 5 एंड 7, राइट, ये आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर क्या है, सी, 6, 1, 2, 3, 5, 7, ओके। नाउ इन पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फाइंड वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि क्यू एम्प्टी है या नहीं है, तो आप कौन से मेथड का यूज करेंगे, यहाँ पे हम एम्प्टी फंक्शन का यूज करेंगे, एम्प्टी मेथड का यूज करेंगे। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द क्यू इज एम्प्टी, ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर क्यू एम्प्टी है, और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर क्यू एम्प्टी नहीं है, ओके। Multiple choice questions based on searching. So let us start with the first question. Which of the following searching algorithm is the fastest? इनमें से कौन सा searching algorithm सबसे ज़्यादा fast है? तो इसका जो correct option है वो है binary search. Binary search में आप क्या करते हो? आप ordered list of items को, shortest list of item को groups में divide कर देते हो. जैसे आपने क्या किया, इसको two parts में divide कर दिया, first group and second group, या two या parts, right? आपको लगता है कि जो item के मिलने की probability है वो first में ज़्यादा है, तो again आप इसको parts में डिवाइड कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये इस पार्ट में मिल सकता है या इस पार्ट में मिल सकता है, राइट। तो क्या होता है, यहाँ पे बाइनरी सर्च में आइटम सर्च करना बहुत ही फास्ट होता है, राइट। नाउ वेयर इज लीनियर सर्चिंग यूज्ड, लीनियर सर्च का कहाँ यूज किया जाता है, लीनियर सर्च आप अप्लाई करते हो अनशॉर्टेड और यू कैन सी अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स में, राइट। और इसमें क्या किया जाता है, जो एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है उस एलिमेंट को लिस्ट के सारे एलिमेंट्स के साथ मैच किया जाता है वन बाय वन इन अ सिक्वेंस, राइट। तो इसका कहाँ पे यूज होगा, व्हेन द लिस्ट हैज ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स, जहाँ पर लिस्ट में कुछ ही एलिमेंट्स है, क्योंकि इसमें क्या है, सारे एलिमेंट्स के साथ आप मैच करोगे तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा है तो इट विल बी टू मच टाइम टेकिंग, ओके। व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फ्यू एंड व्हेन परफॉर्मिंग अ सिंगल सर्च इन एन अनऑर्डर लिस्ट, ओके। और जब आपको अनऑर्डर लिस्ट में सर्चिंग करनी है, राइट, ऑर्डर लिस्ट में आप बाइनरी सर्च करते हो और अनऑर्डर लिस्ट में आप लीनियर सर्च करते हो, राइट। No. Which of the following searching algorithm is used with exponential sort after finding the appropriate range? तो आप कौन से searching algorithm का use करते हो जब आप क्या करते हो, exponential sort करते हो, ठीक है। Exponential sort में क्या होता है, exponential sort में we first find a range, हम सबसे पहले एक range find out करते हैं जहाँ पे element मिल सकता है,
ओके, और उसके बाद जहाँ पे एक रेंज को हमने निकाल लिया, जो आपके पास सीक्वेंस है उसमें से आपने एक रेंज को निकाल लिया जहाँ से आपको एलिमेंट मिल सकता है, उसके बाद आप उस रेंज पर बाइनरी सर्च अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बाइनरी सर्च, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्चिंग एल्गोरिदम इज फास्टेस्ट व्हेन द इनपुट एरे इज नॉट शॉर्टेड बट हैज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा सर्चिंग एल्गोरिदम है जहाँ पे जो एरे है वो शॉर्टेड नहीं है, राइट, उसमें अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स हैं बट हैज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज, लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है लीनियर सर्च, ठीक है। लीनियर सर्च में क्या होता है, जो अनऑर्डर्ड और यू कैन से जहाँ पे आपकी जो सीक्वेंस होती है या फिर एरे होता है वो शॉर्टेड नहीं होता है, वहाँ पे आप लीनियर सर्च को अप्लाई करते हो, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च, इनमें से कौन सी बाइनरी सर्च की एप्लीकेशन नहीं है। तो आपका फर्स्ट क्या है, टू सर्च इन अनऑर्डर लिस्ट, राइट। तो पहला ही ऑप्शन क्या है, टू सर्च इन अनऑर्डर लिस्ट, बाइनरी सर्च की एप्लीकेशन ये नहीं है। बाइनरी सर्च हमेशा ऑर्डर्ड लिस्ट पर अप्लाई किया जाता है, ओके, राइट। एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर द एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च, डीबगिंग, यूनियन ऑफ इंटरवल्स टू फाइंड द लोअर और अपर बाउंड इन एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। तो ये तीनों क्या है, एप्लीकेशंस है बाइनरी सर्च की, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज टेकन आफ्टर फाइंडिंग एन एलिमेंट हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन द एलिमेंट बींग सर्च, राइट। आपको कौन सा स्टेप लेना है, ओके, इज टेकन आफ्टर फाइंडिंग एन एलिमेंट हैविंग वैल्यू, जब आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसकी वैल्यू ग्रेटर है उस एलिमेंट से ज़्यादा है जो आप सर्च कर रहे हो, ओके। इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप लीनियर सर्च करोगे। लीनियर सर्च टेक्स प्लेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। आप लीनियर सर्च करोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे, देखो यहाँ पे फिर से समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज टेकन आफ्टर फाइंडिंग एन एलिमेंट, आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी वैल्यू ज़्यादा है किससे, जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो, ओके। तो उस ज़्यादा वाले एलिमेंट से आप पीछे की तरफ जाएंगे और आप लीनियर सर्च करेंगे और वन बाय वन मैच करेंगे कि जो आप एलिमेंट ढूंढ रहे हो वो कहाँ है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, लीनियर सर्च टेक्स प्लेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ओके। नाउ लीनियर सर्च इज ऑल्सो कॉल्ड, लीनियर सर्च का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्च, राइट। इसको सिक्वेंशियल सर्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वन एंड से स्टार्ट होता है और इट गोज टिल द लास्ट एलिमेंट, जब तक कि आप लास्ट एलिमेंट तक सर्च नहीं कर लेते हो, वन बाय वन आप एलिमेंट्स को सर्च करते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिक्वेंशियल सर्च। Now, which of the following is a disadvantage of linear search? इनमें से कौन सा linear search का disadvantage है? तो यहाँ पे आपका option है B, greater time complexities compared to other searching algorithm. क्योंकि आपको linear search में जितने भी elements हैं, जितने भी items हैं, उनको check करना होता है one by one. तो यहाँ पे क्या है? It is more time taking, right? तो यहाँ पे option B इसका correct option है, greater time complexities compared to other searching algorithms, right? Now, in dash search start एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट एंड चेक एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट। आपको पता है किस में किया जाता है, आपकी सर्च स्टार्ट होती है बिगनिंग ऑफ द लिस्ट से और जाती है एंड ऑफ द लिस्ट तक। तो ये आपका होता है लीनियर सर्च में, फाइन। वॉट इज द बेस्ट केस फॉर लीनियर सर्च, लीनियर सर्च का बेस्ट केस कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है डी, O1। O1 में क्या है, आपको एलिमेंट कहाँ मिल जाता है, हेड ऑफ द एरे, फर्स्ट एलिमेंट ही आपका एलिमेंट है जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो, राइट। व्हाट इज द वर्स्ट केस फॉर लीनियर सर्च, लीनियर सर्च का वर्स्ट केस क्या है आपका, आपका ऑप्शन सी ON, जहाँ पे आपको क्या करना, यहाँ पे क्या हुआ, आपको टिल द एंड मतलब एंड ऑफ द एरे तक आपको फाइंड आउट करना पड़ा और आपको कहाँ मिला, एट द टेल ऑफ द एरे, ठीक है, बिल्कुल एंड में जाके आपको एलिमेंट मिला, ठीक है। नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, बाइनरी सर्च इज यूज्ड फॉर सर्चिंग इन अ शॉर्टेड एरे, बाइनरी सर्च का यूज किया जाता है शॉर्टेड एरे के अंदर, जहां पे आपका एरे बिल्कुल ऑर्डर्ड फॉर्म में होना चाहिए, शॉर्टेड होना चाहिए, राइट। सेकेंड क्या है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज ओ लॉग ऑन लॉग एन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है डी,
क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं. बाइनरी सर्च आपका शॉर्टेड एरे पे होता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की क्या है, ओ लॉग एन. डेट मीन्स आप यहाँ पे क्या करोगे, यू विल डिवाइड द एरे इनटू ग्रुप्स अगेन एंड अगेन. ओके, आप क्या करोगे, एरे को छोटे छोटे पार्ट्स में तब तक डिवाइड करते रहोगे जब तक कि आपको एलिमेंट्स मिल नहीं जाते. जो आप एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हो वो आपको मिल नहीं जाता, राइट. नाउ मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे मैच करना है कंप्लीटनेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, राइट. तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो सी है. देखो, ए को आप ज्वाइन करोगे थर्ड से, कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस क्या है, इज द स्ट्रेटजी गारंटी टू फाइंड द सॉल्यूशन व्हेन देयर इज वन, राइट. तो यहाँ पे कंप्लीटनेस क्या है, आप एक आपके पास स्ट्रेटजी है और जो आपको गारंटी देती है कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे. नाउ सेकंड आपका क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसका आपका आंसर क्या है, वन. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फाइंड अ सॉल्यूशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका बताता है कि कितना टाइम लगेगा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, राइट. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है आपका, हाउ मच मेमोरी नीड टू परफॉर्म द सर्च, सर्च करने के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है. ओके, तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी. नाउ द नंबर ऑफ कंपेरिजन डन बाय सिक्वेंशियल सर्च इज, सिक्वेंशियल सर्च जब आप करते हो तो नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने होते हैं. अब यहाँ पे देखो n क्या है, n इज द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट, राइट. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, n प्लस वन डिवाइडेड बाय टू. ठीक है, सिक्वेंशियल सर्च में जो कंपेरिजन होते हैं वो कितने होता है, n प्लस वन, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट, राइट, और नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे. आप कुछ भी ले सकते हो, फाइन. ओके, नेक्स्ट, इन जनरल द बाइनरी सर्च मेथड नीड्स नो मोर देन डैश कंपैरिजन. अब बाइनरी सर्च में कंपैरिजन कितने होते हैं, बाइनरी सर्च में आपके कंपैरिजन होते हैं लॉग टू एन प्लस वन, राइट. दिस इज द आंसर. ओके, द चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शॉर्टिंग, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स इज द फास्टेस्ट फॉर शॉर्टिंग द स्मॉल एरेज, स्मॉल एरेज को शॉर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टिंग एल्गोरिदम सबसे फास्ट है. तो यहाँ पे आपका आंसर है इंसर्शन शॉर्ट. इंसर्शन शॉर्ट में आपके एरेज को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, वन आपका शॉर्ट एरे होगा एंड वन आपका जो अनशॉर्टेड एरे है वो होगा, राइट. जो आपका शॉर्टेड एरे होगा वो एम्प्टी होगा, तो अनशॉर्टेड एरे के एलिमेंट्स को वन बाय वन कंसीडर्ड किया जाएगा, जज किया जाएगा और उनको शॉर्टेड एरे में एट द करेक्ट पोजिशन इंसर्ट कर दिया जाएगा. इससे क्या होगा, जो लिस्ट है वो शॉर्टेड एरे की क्रिएट हो जाएगी, राइट. What is the advantage of selection sort over other sorting techniques? Selection sort का दूसरी sorting technique से क्या advantage है, वो उनसे better क्यों है. तो इसका answer है it requires no additional storage space. Selection sort को additional storage space नहीं चाहिए होता है. Selection sort क्या है, एक in place sorting algorithm है, right. जहाँ पे क्या होता है, sorting उसके place पर ही हो रही है. यहाँ पे क्या होता है, एरे में से या जो भी आपकी सीक्वेंस है उसमें अगर आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस भी फॉर्म में आपको उसको अरेंज करना है या शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो उसको आपको असेंडिंग में शॉर्ट करना है, तो आप सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है, आप उसको फाइंड आउट करोगे और उस एलिमेंट को आपको आप फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर दोगे, राइट. तो यहाँ पे क्या है, एरे के अंदर ही शॉर्टिंग चल रही है. ये कौन सी शॉर्टिंग है, इन प्लेस शॉर्टिंग है, इसलिए यहाँ पे एडिशनल स्टोरेज स्पेस नहीं चाहिए. ओके, व्हाट इज़ एन एक्सटर्नल शॉर्टिंग एल्गोरिदम, एक्सटर्नल शॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन सी होती है. तो इसका आंसर है ए, एल्गोरिदम डेट यूजेस टेप और डिस्क ड्यूरिंग द शॉर्ट. वो एल्गोरिदम जहाँ पे एक्सटर्नल डिस्क का यूज़ किया जाता है, राइट, वो कौन सी होती है, एक्सटर्नल शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होती हैं, राइट. What is an internal shorting algorithm? Internal shorting algorithm कौन सी होती है. तो इसका आंसर आपका बी है, algorithm that uses main memory during the short. जहाँ पे main memory का use किया जाता है, किसी external device का use नहीं किया जाता, वो internal shorting algorithm होती है, right. अब आपका है question 5, the given array is, आपके पास array दिया गया है, the number of iteration in bubble short and selection short respectively are, number of iterations आपको बताने हैं bubble short में कितने होंगे. तो यहाँ पे bubble short हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 है. तो बबल शॉर्ट में जो आइट्रेशन होंगे वो 5 होंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एंड सिलेक्शन शॉर्ट में क्या होंगे, n माइनस 1. तो एलिमेंट्स आपके 5 हैं, तो n माइनस 1, 5 माइनस 1, तो आपका हो गया ये 4. ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ आइट्रेशन बबल शॉर्ट में होंगे 5 एंड सिलेक्शन शॉर्ट में होंगे 4. तो आपका आंसर है ए,
ओके नाउ एडजेसेंट एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड एंड स्वैप्ड इन डैश टेक्निक. कौन सी टेक्निक में एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप किया जाता है, जो साइड बाय साइड एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में स्वैप किया जाता है. तो ये हमारा होता है बबल शॉट में. ओके बबल शॉट में जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनको शॉट किया जाता है. ओके नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन शॉट एल्गोरिदम. सिलेक्शन शॉट एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. ओके तो यहाँ पे आपका आंसर है बी ओ ओ नोटेशन एन स्क्वेयर. राइट एन स्क्वेयर. तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्शन शॉट की क्या होती है. नंबर ऑफ स्वैप्स आपके आ गए राइट प्लस होता है नंबर ऑफ कंपैरिजंस. ठीक है तो नंबर ऑफ स्वैप्स आपके एन स्वैप्स आ गए राइट एंड आपके एन स्क्वेयर कंपैरिजंस आ गए. ओके तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या होगी ओ एन स्क्वेयर राइट. नाउ द नंबर ऑफ स्वैपिंग्स नीडेड टू शॉर्ट द नंबर्स. आपको बताना है इन नंबर्स को शॉर्ट करने के लिए बबल शॉर्ट यहाँ पे किया जाएगा इन नंबर्स का. तो नंबर ऑफ स्वैपिंग्स बतानी है कि आपको कितने स्वैप्स होंगे. ठीक है ये हमारे पास लिस्ट है. तो फर्स्ट जो स्वैपिंग होगी यहाँ पे हम फर्स्ट स्वैपिंग देखते हैं. यहाँ पे आपका 8 आ गया राइट देन आपका 7 आएगा स्वैप होके. ये आपका 7 स्वैप होके आया 9 ओके 9 स्वैप होके आ गया आपका. ठीक है ऐसे करके आएगा. देखो 7 आगे आ जाएगा फिर 22 पीछे चला जाएगा. 22 पीछे चला जाएगा फिर 9 क्या करेगा फिर 9 उसको पीछे कर देगा और 9 आगे आ जाएगा राइट. तो 22 आपका पीछे चला जाएगा ऐसे करके राइट. 22 आपका पीछे चला गया देन आपका 5 है एंड देन आपका 13 स्वैप होएगा. ठीक है ये आप करके देखना एंड देन आपका आएगा 31. ओके तो यहाँ पे आपके 4 स्वैप्स हुए इस आइट्रेशन में. देन सेकंड आइट्रेशन में फिर 7 आगे जाएगा 7 आगे चला जाएगा यहाँ पे. तो 7 आगे आ गया राइट एक ये स्वैप हो गया. ओके 8 अपने प्लेस पे आ गया 9 अपने प्लेस पे रहेगा क्योंकि 9 ठीक है. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो 5 है ये स्वैप कर देगा आगे आ जाएगा 22 से आगे. ठीक है तो 5 यहाँ पे आ गया ये स्वैपिंग होगी. 22 पीछे चला जाएगा लेकिन 13 फिर उसे पीछे कर देगा तो 13 भी स्वैप होके आएगा यहाँ पे. ओके देन यहाँ पे आपका हो गया 22 और ये आपका हो गया 31. तो यहाँ पे आपके कितने स्वैप हुए. फर्स्ट में आपके 4 स्वैप हुए थे सेकंड में आपके 3 स्वैप हुए राइट. अब नेक्स्ट आइट्रेशन हम देखेंगे. ओके नेक्स्ट आइट्रेशन में देखो ये तीनों तो आपके एक लाइन में आ गए 7 8 9. ठीक है 7 8 9. अब 5 की स्वैपिंग करेंगे ना हम यहाँ से. ठीक है तो यहाँ पे देखो 7 8. अब 5 क्या करेगा 9 को पीछे कर देगा. ठीक है 5 आगे आ गया तो यहाँ पे 5 स्वैप होके आ गया और 9 आपका पीछे चला गया राइट. ठीक है 9 9 13 22 एंड 31. तो इस वाले आइट्रेशन में एक ही स्वैपिंग हुई है आपकी. ठीक है 1 स्वैपिंग हुई है. अब देखो अब 5 8 को पीछे करेगा 7 5 8 9. ठीक है तो इसमें देखो ये 5 को हम सर्कल कर देते हैं यहाँ पे 5 ने स्वैप किया है. ठीक है 13 और 22 आपका एंड आपका 31. तो यहाँ पे भी एक स्वैपिंग हुई है. ठीक है अब नेक्स्ट में देखो 5 आगे चला जाएगा यहाँ पर 5 7 8 9 13 22 एंड 31. ये आपका शॉर्टेड आ गया है एरे या लिस्ट जो भी आप कहोगे. यहाँ पे भी 1 स्वैपिंग हुई है 5 की. ठीक है तो नंबर ऑफ स्वैप टोटल कितने हैं 4 प्लस 3 7 8 9 10. तो नंबर ऑफ स्वैपिंग कितनी हुई है 10 राइट. सो द करेक्ट आंसर इज 10. ओके व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बबल शॉट ओवर अदर शॉर्टिंग टेक्निक्स. दूसरी टेक्निक्स के ऊपर बबल शॉट का क्या एडवांटेज है, मतलब बबल शॉट उनसे बेटर क्यों है राइट. तो यहाँ पे इसका आंसर है सी डिटेक्ट्स वेदर द इनपुट इज ऑलरेडी शॉर्टेड. यहाँ पे बबल शॉट क्या करता है रिपीटेडली स्वैपिंग करता है जब तक कि पूरी लिस्ट
शॉर्ट नहीं हो जाती, राइट? तो अगर क्या होता है, इफ शॉर्टिंग इज कम्प्लीटेड इन अ सिंगल आइट्रेशन, अगर एक ही बार में, एक ही आइट्रेशन में पूरी लिस्ट शॉर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे बबल शॉर्ट बता देगा कि इनपुट इज ऑलरेडी शॉर्टेड, राइट? तो बहुत जल्दी इजिली वो आपको बता देगा कि इनपुट जो है वो ऑलरेडी शॉर्टेड है, एक ही आइट्रेशन के अंदर वो बता देगा ये आपको, राइट? Now, a short which compares adjacent element in a list and switches where necessary is. ऐसा short जो क्या करता है, elements को compare करता है, right? And जहाँ पे necessary है एक element को जाना, वहाँ पे उसको switch कर देता है. तो ऐसा short आपका क्या है, insertion short है. इंसर्शन शॉर्ट क्या करता है, दो लिस्ट बना लेता है, एक शॉर्टेड लिस्ट और एक बना लेता है अनशॉर्टेड लिस्ट, राइट? वो क्या करेगा, जो आपकी शॉर्टेड लिस्ट है वो एम्प्टी है, अनशॉर्टेड लिस्ट में क्या है, अनशॉर्टेड एलिमेंट्स है. यहाँ पे वो अनशॉर्टेड एलिमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करता है एंड अगेन उसको क्या करता है, इंसर्ट कर देता है शॉर्टेड लिस्ट में, राइट? एट द करेक्ट पोजिशन. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग डेटा. So let us start with the first question. Which function is used to find the most often appeared value from a set of numbers? तो आपको एक set of numbers दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि किस function की help से आप most repeated value, most appeared value को find out कर सकते हो. तो यहाँ पे आपका option है mode function. Mode function क्या करता है, most repeated value को find out करता है within a given set of numbers. Okay? Now which function is used to change the order of existing indices or label? आप किस function का use करोगे डेटा फ्रेम की इंडेक्सेस को चेंज करने के लिए, इंडेक्स वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए या कॉलम लेबल्स को चेंज करने के लिए, राइट? उनका ऑर्डर रीअरेंज करने के लिए. तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे री इंडेक्स फंक्शन. री इंडेक्स क्या करता है, इट चेंजेस द रो इंडेक्स एज वेल एज कॉलम लेबल्स, फाइन? Now, which function is used to find the middle number from a set of numbers? आपको numbers का set दिया गया है, उसमें से आपको middle number find out करना है, तो इसके लिए आप use करोगे median function. Okay? It calculates the middle value from a given set of numbers. Median function middle value find out करता है from a given set of numbers, right? Now, which function is used to find the average value from a set of numbers? आप कौन से function का use करोगे average value निकालने के लिए? Okay? तो average value निकालने के लिए आप use करोगे mean function का, right? Mean function की help से आप average value find out कर सकते हो from a given set of values, okay? Now, which function is used to rename an existing column or index, right? अगर आपको किसी कॉलम को रीनेम करना है, दोबारा से नाम देना है, या फिर किसी इंडेक्स को दोबारा से आपको रीनेम करना है, तो यहाँ पे आप कौन से फंक्शन का यूज़ करोगे, यहाँ पे आप रीनेम फंक्शन का यूज़ करोगे, राइट? रीनेम फंक्शन इज़ यूज टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग कॉलम और इंडेक्स, ओके? The term data came from the Latin root term. Data term कहाँ से आया है? Data term आया है Latin के datum word से, right? Datum word, okay? Two types of research data include. Research में दो type का data use होता है. कौन कौन सा data use होता है? इसमें qualitative and quantitative data use होता है. Qualitative जिसकी quality होती है, right? जो quality में बहुत अच्छा होता है. And quantitative जहाँ पे research करनी होती है बहुत सारा data लेके, right? जहाँ पे quantity ज़्यादा होती है, quantitative data, right? What it is called when the data is sourced from the place of origin? अगर आप data को उसके origin, मतलब जहाँ पर वो पैदा हुआ है, right? Source of origin, जहाँ से वो पैदा हुआ है वहाँ से आप ले रहे हो, तो ऐसा data कौन सा data होता है? Primary data, right? What it is called when the data source is gathered and compiled with other? उस data को क्या कहा जाएगा जब आपने data के source को इकट्ठा किया और उसको दूसरे source के साथ या दूसरे data के साथ compile कर दिया, मिला दिया, तो ऐसे data को आप क्या बोलोगे? Secondary data, right? The primary data is gathered through. Primary data आप कैसे gather करते हो? Surveys के through, experiments के through, right? तो यहाँ पर इसका जो option correct है वो 3 है, both options A and B. Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.